ऑफ, मुझे लगता है कि मोस्ट अवेटेड बोलना बिल्कुल सही होगा इस बार, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई थी अब तक कि हम रेरा आता था और 3 दिन में अलॉटमेंट कर दो, 7 दिन में अलॉटमेंट कर दो. इस बार आई थिंक इट इज समथिंग वेयर वी गॉट इनफ टाइम टू यू नो इंटरेक्ट विद कस्टमर. सबसे मीटिंग किया हमने, आप सबसे मीटिंग किया, ये वाला लॉन्च थोड़ा प्रॉपर लॉन्च जैसा फीलिंग आ रहा है. सो आवाज कम है या ज्यादा है? सो लार्ज, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आ रही थी मुझे जब मैं अपने ऑफिस से यहाँ पे आ रहा था. आप सबको बताता हूँ कि अभी बिफोर कमिंग हियर मैं कहीं और एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, एंड इट वाज फॉर न्यू ज्वाइनर्स हु आर लाइक फ्रेशर्स जस्ट जॉइन्ड अस फ्रॉम कॉलेज, अ बैच ऑफ अराउंड 60 to 65 पीपल अक्रॉस इंडिया. एंड आई वॉज sharing what we actually do at launch, and I was actually seeing all the videos that we did, ki humne Zenith ka launch kaise kiya, Aristocrat ka launch kaise kiya, and I was myself getting emotional while seeing that. And ek cheez mujhe realize hua ki sales especially hum sab jo ek team ki tarah kaam karte hain, maine apni baaton baaton mein bola tha ek bahut achhi cheez jo mujhe baad mein realize hua ki maine badi achhi cheez bol diya, wo tha कि केवल हम लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाली टीम नहीं है. तो आई थिंक यही डेफिनेशन होता है हर किसी का कि देयर आर टू टाइप ऑफ वे हाउ यू कैन वर्क, राइट? वन इज दैट यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब एक स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के बियॉन्ड एक पैशनेट वर्क भी करते हैं. हम सब ऐसा लगता है जब कोई लॉन्च आता है, हम सब एक लॉन्च के नशे में चले जाते हैं और फिर दिन रात एक करके लॉन्चेस पे लॉन्चेस करके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से वो एनर्जी हमारे अंदर आती है और फिर डेफिनेटली वो कस्टमर तक जाते हैं. एंड व्हाट अ वे वी हैव यू नो स्टार्टेड दिस गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.0. व्हाई आई एम सेइंग 2.0 बिकॉज जस्ट दिसंबर इन 2023 में वी रिमेंबर आवर कैंपेन वॉज बिफोर लॉन्चिंग गोदरेज एरिस्टोक्रैट. वी वर टॉकिंग, इफ आप लोगों को याद होगा, कि गोदरेज प्रॉपर्टीज इज कमिंग बैक. And I think yeah, क्या स्टाइल में we have made a comeback thanks to you. ये सातवां महीना है, this is our third big launch happening in Gurgaon. Very rare that you know any developer को ऐसा opportunity मिला. Thanks to Mr. Godrej जिसने तब पैसा invest कर दिया यहाँ के land पर. And I think and we promised all of you that the type of opportunities that Godrej Property is going to bring in Gurgaon is going to be absolutely amazing. And I am also going to share you something very important. कि जब वो मैंने induction program खत्म करके आ रहा था रास्ते में, तो एक और meeting थी मेरी, and पूरे रास्ते में वो meeting करता हुआ आया था Microsoft Teams पे, and that was about signing 2 more deals which we are about to take final call. तो अभी हम उस time जब starting में आए थे, तो we did 5 land deals in Gurgaon. If all of you remember in 2023 early, which was Sector 49 Aristocrat. Sector 89 Zenith, Sector 103 Viksha, Sector 43 Course Course Road and Sector 54 Course Course Road. ये हमने साइन किए थे. अभी हम बीच में पहुंचे हैं, तो वाइल अभी ही मुझे तो लगता है कि हम लोग जैसे अंदर से थक से गए कि यार इतने लॉन्चेस, इतनी इन्वेंट्री, ये सब किया, लेकिन अभी हम बीच रास्ते ही आए हैं और ऑलरेडी वी आर लाइक टेकिंग द टॉप पोजिशन इन नॉर्थ. आपको आगे कुछ नंबर्स, अमेजिंग नंबर्स मैं आपको दिखाऊंगा. बट आई थिंक Zenith में एक चीज हमने मिस किया, वो पूरा करना था इस बार. Zenith में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द वेरी लिमिटेड 22 तारीख या 23 तारीख मार्च को रेरा आया, एंड वी बीइंग अ लिस्टेड प्लेयर वी हैड टू डू द लॉन्च इन मार्च इटसेल्फ. आप सब उसमें पार्टिसिपेट किया था आप सब ने, तो हम लोग ना सीपी मीट नहीं कर पाए थे, पर हमने सब कुछ डिजिटल किया. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जिसने हमें बोला कि यार डिजिटल मीट जो आप करते हो बहुत सही था, बिकॉज नॉट ओनली वी वर एबल टू रीच टू अवर पार्टनर्स बट ऑल्सो कस्टमर, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था. इस टाइम भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यार अगर इफ दैट फॉर्मूला इज सक्सेसफुल वाई नॉट डू द सेम थिंग, एंड इंडीड थोड़ा और बेटर उसको करके लेकर आते हैं. बट कहीं ना कहीं यार गोदरेज प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन. मुझे लगता है हम सब वी आर लाइक ओल्ड स्कूल. मैं आप में से बहुत सारे लोगों को इधर उधर कहीं भी मिलता हूँ, हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मुझे लगा यार ये वाला चीज छोड़ना नहीं चाहिए. तो ये सब आपके लिए स्पेशली हमने ये सीपी मीट सोचा, नहीं यार आमने सामने बैठ के फेस टू फेस यही मिलने का मौका मिलता है, लेट्स डू दिस सीपी मीट.
So, ladies and gentlemen, I will now officially open the launch of Godrej Vriksha. But like the legacy has, we will have to talk about. I am sure आप में से बहुत लोगों ने इसको कितनी बार सुना होगा. मेरे लिए आप इमेजिन करो, मैं पिछले 10 साल से ये चीज बोल रहा हूँ. 127 years of legacy. This is, by the way, our actual project in Bombay, Godrej Tree. ये पूरा Godrej का campus है. All of you know, and why we repeat this every time, it is because you know, जब कस्टमर से आप मिलते हो उसके लिए वो आपका फर्स्ट मीटिंग है. हम आप एक दूसरे से 100 बार मिलते होंगे और ये बातें करते होंगे, बट वी कीप ऑन रिमाइंडिंग यू अबाउट यू नो द इनर सोल ऑफ Godrej. इमेजिन अ कंपनी हु मेड बैलेट बॉक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑल द स्टोरी ऑफ मंगलयान एंड चंद्रयान दैट यू आर सीइंग, Godrej has a big role to play in that. And of course, small things like typewriters and all are the type of innovations that we were doing long before any other real estate company was even born. And this is something very, very massive, because this is where Godrej Properties gets differentiated from any other real estate brand. And indeed, this is one of the key things that I spoke today in that induction program as well. कि आखिर Godrej Properties और बाकी रियल इस्टेट ब्रांड्स which are like very big real estate companies में डिफरेंस क्या है, right? तो एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है जो मैं हर बार बोलता हूँ, कि वो है कि बहुत सारी रियल इस्टेट ब्रांड्स हैं इन गुड़गांव, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, हर जगह. ये सब रियल इस्टेट ब्रांड हैं. Godrej Properties इज अ हाउस होल्ड नेम. इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ. आप कोई एक रियल एस्टेट कंपनी अपने दिमाग में सोच लीजिए, और आप जहां पर हमने जब कुरुक्षेत्र में प्लॉट लॉन्च करने गए थे, वहां की गलियों में जब गए, तो लोगों को कोई दूसरा ब्रांड के बारे में, व्हाई दे आर लाइक वेरी बिग, दे आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स इन इंडिया, उनको नहीं नाम पता था. बट Godrej उनको पता था. वो सीधा समझ पाए थे, यार ये कोई ऐसी कंपनी है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेट्स गो आउट एंड सी. तो हमारी असल पावर और शक्ति जो हमें Godrej के जो ब्रांड की वो दिखी जब हम छोटे शहरों में गए. बड़े शहरों में तो आप प्रिंट एड देके अपने सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आप डेफिनेटली फेमस हैं, बट इमेजिन अ कंपनी जो आप छोटे छोटे शहर की गलियों में भी जाएंगे ना, आपके गांव में भी कोई होगा तो उसको Godrej के बारे में पता होगा. और एक कॉमन डायलॉग जो मैंने फिक्स कर रखा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि आपको आप नॉट ओनली आप but even your father and mothers, not only your father and mothers, but even their father and mothers would have used a Godrej product once in their lifetime for sure. And this is the brand, ladies and gentlemen, which you are carrying on your shoulder when you go out. इसकी power and शक्ति को समझना बहुत important है, which we are feeling, जो आपको आगे हमारे numbers में दिखेगा. तो एक बहुत sweet सा एक brand है ये हमारा 2 मिनट का. When in 1897 we started manufacturing locks, we weren't just making in India, we were envisioning a self-reliant India. When in 1920 we manufactured soap from vegetable oil, we weren't just making in India, we were showing the world a humane way to meet human needs. When in 1951 we built India's first ballot boxes, we weren't just making in India, we were partaking in India's journey towards becoming the world's largest democracy. When in 1955 we made Asia's first typewriters, we weren't just making in India, we were contributing to the nation's mission of propelling women into the workforce. When in 1958 we made refrigerators, we weren't just making in India, we were supporting the movement of freeing women from the kitchen. When in 1980 we introduced Godrej Capital, we weren't just making in India, we were making the collective dream of owning a house a reality. When in 1984 we introduced mosquito repellent mats, we weren't just making in India, we were contributing towards making India free from vector-borne diseases. When in 1989 we forayed into real estate, we weren't just making in India, we were doing our bit towards fueling India's rapid urbanization. When in 1991
we started making products that sustainably increased crop yields. We weren't just making in India. We were doing our bit to help the farmers double their income. When in 2013, we made key components for India's first Mars mission, we weren't just making in India. We were participating in Free India's most glorious moment. When in 2015, Godrej Properties got recognized for sustainability, we weren't just making in India. We were paving way for holistic living. When in 2018, we were redefining skylines of cities across India, we weren't just making in India. We were giving shape to growing India's aspirations. When in 2023, we delivered close to 35 homes every day, we weren't just making in India. We were weaving joy in the everyday fabric of living. For over 126 years now, during the journey of our nation's growth, we haven't just been making in India. We have been passionately doing our bit towards making India. So, ये एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है जो हमने बनाया है. आपको इसमें वृक्ष का दिख जाएगा थीम. So there are a lot of things that we did, like in 1990, Godrej Properties actually officially came into real estate. अगर आप देखेंगे tenure, it is like काफी time से Godrej, we are here. And then of course we got listed in 2010, and since then we have never stopped. Imagine a company getting listed in 2010 and then becoming something so big, जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है. वो number में आपको आगे दिखलाऊंगा. There are a lot of great things which happened in between. We, especially in North India, we, our basically big blast started happening from Godrej Air launch, Woods launch, 100 other things that we did. Indeed, the recent ones, if you will see, it's like Aristocrats, and it has absolutely created history in Indian real estate. A lot of you don't know, because we don't get itna time to even share creatives about that. And I always feel ki whenever any other developer shares ki we have won this award and that award, hamare paas hamare itne launches chal rahe hote hain aur sustenance ki hamare itne activations chal rahe hote hain ki hame kabhi time nahi milta. But for all of you to know, the number of genuine awards, not paid awards, that we have won are like 400, which is highest in India won by any developer across categories. This is something which I doubt that anybody would have pata hoga ki aap mein se kisi ko. 60,000 homes is what Godrej Properties is about. We are like 60,000. Just imagine, think, aap ye numbers run karna, this is mammoth. This is absolutely at a global level, this is like making us, in at least in terms of unit, definitely amongst the biggest in the world. And then we thought of, why not show you what we are doing in North India. आप में से बहुत सारे लोग को कई बार ही लगता होगा, यार ये तो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, अब हम गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली के ही हो चुके हैं. एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी ऑलरेडी हैव एंड लॉन्च्ड इन नॉर्थ इंडिया. आप देखोगे, आप शायद काउंट करोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि यार इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे लॉन्च करके बैठे हुए हैं. एंड आपसे अभी भी मैं पूछूंगा तो आप 5, 6, 7 यही जो रिसेंट लॉन्चेस है वो गिना पाओगे, बिकॉज हम बहुत टाइम से लॉन्च करते आ रहे हैं. वी आर अमंगस्ट द बिगेस्ट इन नॉर्थ इंडिया एज वेल. एंड देन व्हाई नॉट टॉक अबाउट ऑल द रिसेंट बिग लॉन्चेस इन अवर लैंग्वेज. वी डोंट कॉल देम लॉन्चेस, वी कॉल देम सुपर लॉन्चेस. इमेजिन ऑल ऑफ दिस वर लाइक सुपर सक्सेसफुल एंड ऑलमोस्ट लाइक अ सेल आउट. वी डिड गोदरेज ट्रॉपिकल आइल इन नोएडा, डिड 2100 crores, almost sold out. Godrej Jardinia is 100% sold out. Godrej Aristocrat is almost 90-92% sold at 2900 crores. And Zenith, you know, Zenith is not just a launch, it's an emotion. What happened in those 3 days, all of you were part of that. 3800 crores done during launch of Godrej Zenith, which makes Godrej Zenith the biggest ever launch in the history of GPL. 1990 में ये कंपनी बनी थी, उसके आज तक का गोदरेज सेनेट हमारे गुड़गांव का लॉन्च बन गया गोदरेज का सबसे बड़ा लॉन्च. 3800 करोड़, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड विद दैट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट.
And I want all of you to stand up for yourselves. And I'm happy to announce, if you're not aware, Godrej Properties is the first company in the history of real estate to do 22,500 crores in just 1 year, which is FY24. And we are like number one in India. I'm talking a big round of applause. Number one in India, and also at a time when Indian real estate is at its prime. मैं कोई बैड मार्केट या एवरेज मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ. हर डेवलपर इज सेलिंग लाइक एनीथिंग, राइट? उन सब के बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज स्मैश्ड ऑल रिकॉर्ड्स इन इंडियन रियल एस्टेट एंड क्लॉक 22,527 करोड़. आज तक इंडियन रियल एस्टेट में, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर हैव बीन नो डेवलपर हु हैज टच्ड दिस नंबर. एंड in truly a number one real estate developer, and like I am absolutely honored to also share one more data in front of you. And this is where we are coming very close to you now, is ki yaar ye 22,527 crore humne kiya pan India pe, and we did more than 10,000 crores only from north. So imagine the type of contribution that all of you did. It was an absolutely stunning show at north. And because of that, you know, there have been like, बहुत नाम है हमारा गोदरेज में. Indeed, I have started getting calls from Mr. Pirosha himself, thanks to all of you, that what type of numbers that we are delivering. 10,000 crores is absolutely stunning. But what do we do now? Now that we have touched this field, आपको क्या लगता है कि अब इस साल what are we planning? और कितना करना चाहिए? हाँ बताइए सर. 50,000? एनीवन एल्स? लगाओ बोली, बताओ यार, टारगेट सेट कर रहे हो आप, मेरा भी और खुद का भी. बोलिए. 45,000 करोड़. सॉरी, कितना? 45,000 करोड़. मैंने 2,500 करोड़ एक बार एक्सपेक्ट. 45,000. अच्छा, 45,000 करोड़. वाह. और कोई? 75. कौन इधर खड़े हुए सर? अरे खड़े तो ये यार, तालियां एक बार. 75,000. ये सवाल मैंने क्यों पूछा पता है? क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले अगर किसी ने हमें बोला होता कि यार 20,000 करोड़ करना है, हम ऐसे ही हंस रहे हो. किसी ने कहीं पे हमारी कंपनी में सोचा? एंड वी प्लान्ड ऑल द लॉन्चेस, द कंपनी इन्वेस्टेड हेवली इन लैंड डील्स, एंड वी डिड सो मेनी थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रीच्ड हियर. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, वी आर अ लिस्टेड कंपनी एंड वी आर टारगेटिंग 40,000 करोड़. नॉट ओनली वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, एंड आई प्रॉमिस यू वी विल डेफिनेटली हिट दिस टारगेट. 40,000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं हम. एंड मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा कि इसमें से आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. आप सब जानते हो कि वॉट वी हैव डन, वी हैव ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. दिस इज वॉट वी डू, एंड दैट इज वॉट अवर मिशन इज. एंड दैट मिशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. वन ऑफ अवर लॉन्च इन नॉर्थ इंडिया रिसेंटली, गोदरेज जार्डिनिया गॉट सोल्ड आउट, एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ वहां पे. वन ऑफ अवर लॉन्च इन बैंगलोर, गोदरेज वुड्सकेप्स ऑल्सो डिड 3,000 करोड़, एंड देयर ऑल्सो इंचिंग टूवर्ड्स 3,200 करोड़. दीज आर ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट पिछले एक महीने का. तो इमेजिन, पिछले एक महीने में केवल 2 प्रोजेक्ट से वी हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट 7,000-8,000 करोड़. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाकी और भी बहुत लॉन्चेस है, और गुड़गांव तो अब हम लेवल खींच रहे हैं कि अब तो हम गुड़गांव स्टार्ट करेंगे. अब पिछले साल गुड़गांव ही राजा बना था इंडियन रियल एस्टेट का फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज. एक इंपॉर्टेंट चीज, एक स्लाइड मैंने रिक्वेस्ट किया अवर मार्केटिंग हेड ग्रुप से कि इसको डालो ग्रुप, बहुत लाइक यू सोच लो ये बोलना है या नहीं, या करना है या नहीं. बट ग्रुप से मैंने जबरदस्ती फिर भी करा दिया. थ्रू फिर भी आई विल शेयर विथ यू. मैंने बोला था एक रोटी का फोटो लगाना, थ्रू ने फिर भी बोला नहीं यार, वी आर लाइक ब्रांड गोदरेज. थ्रू ने बेकरी का फोटो लगाया. बट इन रियलिटी देखिए, एक चीज बहुत मैं सुन रहा हूँ आजकल मार्केट में हो रहा है. यूट्यूब पे हम सब हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो यूट्यूबर्स बन चुके हैं अलॉन्ग विथ रियलिटर्स, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग. यू आर रीचिंग टू प्लेसेस वेयर हम नहीं पहुंच पाते, आप पहुंच जाते हो. प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. बट मुझे एक समय याद आता है, 2021 का लॉन्च था हमारा गोदरेज मेरिडियन,
और वो कोविड के ठीक बाद हुआ था, जो 2020 में कोविड आया एंड 2021 में थोड़ा सा हमें दो तीन महीने का एक ब्रीदर मिला था कि कोविड डाउन जा रहा था. मैंने आई रिमेम्बर आई टुक द स्टेज, वो क्राउन प्लाजा में कर रहे थे हम वो इवेंट, और वहाँ पे हमने बोला था, हम सब ने शोर मचाया था, हमने बोला था कि बॉस रियल इस्टेट विल नॉट डाई, क्योंकि उस टाइम ऐसी बातें हो रही थी यार अब कौन खरीदेगा रियल इस्टेट में, कैसे होगा रियल इस्टेट है ये. हमने बोला था यार हम सब मिलकर पूरी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बदल देंगे एंड विथ पॉजिटिविटी हम कर देंगे. एंड इमेजिन वॉट हैपेंड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क. एंड आप जानते हो कि पिछले तीन साल में हम सब ने क्या देखा, एक सपना जिया है पिछले तीन साल चार साल में. आई एम श्योर आप सब में से मेजोरिटी लोग करोड़पति बन चुके हैं, आप में से आपके जो कस्टमर थे उन लोगों ने बहुत रिटर्न कमाया है. तो रोटी कपड़ा और मकान चाहे कुछ भी हो जाए, पिछले 150 साल का आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक कुछ भी पढ़ाई करते हो आप लोग में से कभी आप कर लो, ये तीन सेक्टर को कुछ नहीं होने वाला, बट एक इंसान है जो इसको रोक सकता है आज की आज अभी के अभी इस रियल एस्टेट की चढ़ाई में. बताओ वो कौन है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम खुद, और वो हम कर रहे हैं. तो मेरा आप सब से, मैंने देखे हैं बहुत सारी वीडियोस, और मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव और रादर एज अ सर्वेंट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री आप सबसे एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि यार ये जो आप लोगों के हेडलाइन है जो आप लोगों ने बनाए, गुड़गांव मार्केट क्रैश, रियल एस्टेट जाने वाला है, रियल एस्टेट डूब रहा है, इससे आपके यूट्यूब में व्यूज तो मिल रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहते हैं ना पांव कुल्हारी, आपने कुल्हारी रखा है उसी पे पांव मार रहे हैं. ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए जो आपका जिससे आपका घर चलता है, राइट? एटलीस्ट एज अ रियलिटर लेट योर कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री टॉक अबाउट दैट एंड वी ऑल शुड आंसर बैक. यार ये क्या बातें कर रहे हो यार, यार आप किसी को घर बेच रहे हो उसको डरा क्यों रहे हो? जरूरी थोड़ी है कि यार सब लोग इन्वेस्टर ही है, एंड यूजर्स भी तो है, उनका सच में सपना है यार, उसको डरा रखा है सबने, मैंने देखा है ऑनलाइन, राइट? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि क्या आप लोग ये जो हेडलाइंस ये सब डाल रहे हैं क्या आप प्लीज बंद कर देंगे? तो आपको तीन बार यस बोलना पड़ेगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये मैं हर डेवलपर के साइड से रिप्रेजेंट करता हुआ बोल रहा हूँ, और मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, ये सही चीज नहीं है. अपने ही घर में कौन माचिस लगा रहा है यार, राइट? तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं लिखेंगे? क्या आप प्रॉमिस करते हैं? थोड़ा दम नहीं है लाखरी वाले में, पूरा दम आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से क्यों नहीं आ रहा है ये बात थोड़ा सोचो. आप केवल अपने लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी है, ठीक है? क्या आप प्रॉमिस करते हैं? ओके, तो अगर इतनी एनर्जी और शक्ति है तो मुझे याद है पहले भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के लॉन्चेस से थोड़ा माहौल ऐसे करके बदला था और हमारा काम था आगे लेकर जाना, तो अब आगे लेकर आपको जाते हैं. और जो भी माहौल जिन लोगों ने भी बनाया है, आई प्रॉमिस यू गोदरेज वृक्ष इज गोइंग टू चेंज इट एंड ब्रिंग एवरीवन ऑन ट्रैक इन रियल एस्टेट, ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड एंड इट इज नाउ टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नाउ इंट्रोड्यूसिंग टू यू अवर बेस्ट प्रोडक्ट एवर. So ladies and gentlemen, can we make some noise for Godrej Bricks? ये हम सबके किस्से में चलने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए. एंड व्हेन आई गो आगे, जब मैं आपको अभी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, आई थिंक जब मैं ऑफिस से सुबह भी जब निकल रहा था लैपटॉप लेके, तो मुझे वो फीलिंग आई निर्मला सीतारमण की, कि जैसे वो बजट पेश करने जा रही थी, तो सब पूछ रहे थे यार क्या होगा, टैक्स स्लैब वगैरह रेज हो गई थी. आई थिंक हम लोगों से बहुत सारे लोगों ने पूछा, मुझे पता था, सुबह से लेके बैठा हूँ. अब स्टार्ट करते हैं, तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट व्हाई गोदरेज वृक्ष इज आवर बेस्ट प्रोडक्ट एवर. ऑफ कोर्स यू नो द लोकेशन, आप सब में से डेफिनेटली साइट विजिट आपने कर लिया होगा. इट इज एक्चुअली नॉट इन द बिगिनिंग और नॉट एट द एंड, इट इज एट द हार्ट ऑफ द एक्सप्रेस वे, मेकिंग इट क्लोज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लॉट ऑफ ब्रिलियंट थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, आई डोंट थिंक सो आई शुड इवन टॉक, आप उससे शायद ज्यादा ही जानते होंगे. And that is why a very small location AV. आप देखिए, we have shown two routes, especially because इसकी connectivity is just not about Dwarka Expressway. There are many other ways through Dwarka Expressway जहाँ से ये connected है. Can you please have the AV?
जैसा मैंने बोला था कि इसकी कहानी केवल द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी लेके मत जाइए कस्टमर्स के पास। ये प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे आपको एयरपोर्ट पहुँचना है तो भी आप दो मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएंगे और एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। आपको गुड़गांव में इस साइड आना है आप उधर जा सकते हैं। इंडीड मैंने एक और अच्छी चीज नोटिस की है कि मैं अपनी साइड पे जब जाता गया मैं एक्चुअली देखा मेरी साइड पे पहुँचने के आफ्टर द्वारका एक्सप्रेसवे चार और पांच डिफरेंट रास्ते हैं। इमेजिन द बेनिफिट्स जब आज से पांच साल सात साल बाद जब ये एरिया हाई डेंस होगा इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के आपके इतने अल्टरनेटिव रूट्स होंगे। तो आई थिंक दिस मेक्स ब्रिकशेड वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड प्रोजेक्ट इवन ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड ऑफ कोर्स द की थिंग इज यू विल सी कि बहुत कम मैप्स ऐसे लोकेशन के बनते हैं जिसमें आप गुड़गांव तो दिखाते हो बट बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली का भी दिखा पाते हो। तो पूरा द्वारका का जो इंफ्रा है यू ऑल नो कि व्हाट डेवलपमेंट्स वहां पे हुए हैं एंड आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे भी बहुत बिका है। तो मुझे उसके ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द्वारका में भी ज्यादा नहीं है बट यू आर लाइक वेरी वेरी क्लोज टू द्वारका फ्रॉम हियर एंड देन देयर आर लाइक ऑल दोस यशो बिम्बी कन्वेंशन सेंटर एंड देन इंडीड द ग्लोबल सिटी जो इधर बन रहा है आपको पता है आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं ग्लोबल सिटी पे because thanks to the expressway and there are 100 other things which is happening around all those of international global infrastructure which is happening just like 5 10 15 minutes away from the project. And this is the beautiful facade that you are seeing. We have already unveiled it through our outdoors jo aapne hamare outdoors sare dekhe honge bahar mein aapko ye wala facade dikha hoga. We as a company have started investing heavily and this is coming from all the learnings that we have done. Our old project didn't had some beautiful facade but all the Godrej 2.0 major projects dekh rahe will have such beautiful crowning in facade which is like very important to show that this project is an address a luxury address. To ab aapko dikhate ek badhiya sa video. This is basically agar main bolu ye video kya hai aap ko agar imagine karna hai ki mera ek din और मतलब इसके अंदर जो रहेंगे वो क्या क्या एक्सपीरियंस फील करेंगे दिस इज बोथ रिगार्डिंग टू योर सोल फिजिकल एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट भी है प्लीज इसको ध्यान से देखिए बिकॉज ये आगे कनेक्ट करेगा बहुत सारे डॉट्स। कैन यू प्लीज हैव द कॉन्सेप्ट Thank you.
ये वीडियो इसके अंदर जो फीचर्स थे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी डिड दिस लैंड डील एंड व्हेन वी डिसाइडेड नॉट टू डू अ बेसमेंट यहाँ पर एंड दैट इज फ्रॉम वेयर द होल डिजाइन एलिमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड कि जब इस पर बेसमेंट ही नहीं है तो आप मदर अर्थ से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं एंड उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखा होगा. ऑल्सो आपने देखा वो 42 फैमिलीज पर एकर इज makes it an absolutely amazing, truly luxurious, exclusive group housing project in Gurugram. तो ये वाला आपने कैंपेन बहुत जगह देखा होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे बेस्ट कैप्ट सीक्रेट. तो आई थिंक उसके सीक्रेट्स अब आपको बहुत सारे धीरे धीरे पता हो गए हैं पर हमने उसको प्रॉपर बांध दिया है कि वो क्या है. एक एक करके सारे सीक्रेट्स इसके आपको फिर से बताएंगे अगर आपको नहीं पता है तो. सेवन ग्लिटरिंग सीक्रेट्स ऑफ गोदरेज वृक्षा. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर पिक्चर खींचनी है तो खींचो, ये बहुत काम आने वाला है आज. ये आज आपको टिक दे रहा हूँ. तो द सेवन ग्लिटरिंग सीक्रेट्स ऑफ गोदरेज वृक्षा, लेट मी स्टार्ट क्विकली. द सीक्रेट नंबर वन इज अबाउट इमर्सिंग योर सेल्फ इन काम. तो देन देर आर सम अमेजिंग फीचर्स और अदर सीक्रेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू राइट नाउ सी इन फ्रंट ऑफ यू. There is, for the first time, ladies and gentlemen, we are doing a lake-inspired water structures, which is a tree-lined lake, the sky mirror. Why we are calling it a sky mirror? क्योंकि अगर आप इसका जब बहुत जल्द आपको आगे जाके मैं इसका वॉकथ्रू भी दिखाऊंगा, जो बीच में हमने इसकी बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी बनाई है, उसका आइडिया यही है कि जो स्काई का इमेज उस पर हमेशा बनता रहेगा. तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट द स्काई मिरर. Of course, a low congestion living and it's an absolutely resort living. आपको आगे जब सब ऑप्शन देखेंगे तो आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे. सीक्रेट नंबर टू, enjoy every possible shade of green. Of course, green इसके अंदर क्यों नहीं होगा अगर मदर अर्थ खुद है इसके अंदर. We have planted indeed more than 800 trees. Indeed, we have increased it even further now. I will soon communicate to you. It should reach around 900 trees very soon. And that is why we have got a 3+ acre. लश ग्रीन लैंडस्केप. एंड आई थिंक आपने जब देखा होगा लोकेशन ए भी तो आपको आइडिया लगा होगा. बीच में सम मैसिव 3 acres ऑफ एब्सोल्युटली ग्रीन लैंडस्केप विद 800+ trees, पिकनिक पार्क, जेन गार्डन. सीक्रेट नंबर 3 इज अबाउट एलिवेट योर गेम एंड दैट इज वेयर अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग्स कम्स इन. एंड हम लोग इसको इतने कॉन्टेंट हैं इसमें कि हम बताना भूल जाते हैं हमेशा. We have got a pura level of 90,000 square feet. Can you imagine? और हम अगर बोल रहे हैं 90,000 तो हमारा वाला 90,000 जेन्युइन है. 90,000 square feet का पूरा एक active space है जिसके अंदर आपको ओलंपिक लेंथ का इन्फिनिटी पूल दिखता है. जो इसका कार पार्लर है उसके ऊपर में हमने क्लब हाउस बनाया और सारी एमिनिटीज बनाई है जो कि करीबन 90,000 स्क्वायर फीट के आसपास है. देर इज एन ओवरलुकिंग एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आप इसके वॉकथ्रू में भी देखेंगे आपको दिखेगा जहाँ पर हमने जो स्काई क्लब बनाया है ऊपर पे उसका जो इन्फिनिटी पूल है वो पूरी ग्रीन को देखता है एंड इट सीज इन वेस्ट डायरेक्शन. तो यानी कि जब आप सनसेट के टाइम कोई भी वहाँ पर एक वाइन लेके बैठ जाए आई थिंक वो लाइफ अलग ही होगी. दैट इज वाई वो उस डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए हमने ये चीज बनाई थी. रेस्टोरेंट वॉश कोड, वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नॉट मेंशन लाइक अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग बट इट वॉज मेंशन इन द कॉन्सेप्ट एवी, इसके अंदर एक इंडोर का टेम्परेचर कंट्रोल टूल भी है जो क्लब के अंदर है. सीक्रेट नंबर 4, लीव योर वरीज बिहाइंड. ऑफ कोर्स देयर इज अ कार पार्लर दैट वी हैव मेड. टिपिकली इसकी वजह से हमें बेसमेंट नहीं बनाया हमने और उसकी वजह से ये कार पार्लर बनाए एंड आई थिंक इसके इसी का गिफ्ट है वो मदर अर्थ. The car parlor, of course, what we have done is we have not left the car parlor like this. The car parlor is very close to all the towers. Indeed, आप बहुत ही close है. मतलब आप जितना time अगर किसी project में second level और third level basement होता है, जितना time आपको वहाँ से आके अपने flat में लगेगा, लगभग उतना ही time यहाँ से लगेगा. फिर भी, what we have done is we have brought in a very high class valet service. तो हर tower के अपने dedicated valet होंगे. And then we will also give access to golf cart in case अगर कोई physically handicapped, specially abled लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं तो उसके लिए हमने ध्यान रखा है. तो this makes it one of the best car parlors in Gurugram for sure. Secret number 5 is chase away the blues. इस project के अंदर जो मैंने आपको sky mirror बताया था इसके अंदर बहुत सारे water bodies is something that we have made sure that are present there. All the time आपके कानों में वो जो fountains और सब चीज़
आवाज एनी टाइम आता रहेगा. सो इट इज जस्ट नॉट अबाउट ट्रीज और ग्रीन दैट वी आर टॉकिंग. वी आर जेन्युइनली इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मेक सम ब्यूटीफुल वाटर फीचर्स. And that is why you can see that the project has play fountain, bandstand and fountain plaza. And of course, the secret number 6 is cherish a bird's eye view. Of course, bahut sare migratory birds hai which we are expecting them to come and make Godrej Vriksh their own home. And that is from where, if you will see, the Godrej Vriksh name is inspired. We really want to invite all the migratory birds. उसके हिसाब से हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए भी बना रहे हैं. दैट इज वाई देयर आर सो मेनी ट्रीज, वाटर बॉडीज एंड एवरीथिंग वेरी क्लोज टू नेचर. एंड दीज आर देन योर 6 सीक्रेट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी अनवील्ड विद ऑल द फीचर्स. एंड आई थिंक इट इज नाउ टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडीड लेट मी टेल, इट इज शो टाइम. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर नाउ गोइंग टू टेक यू इनसाइड द प्रोजेक्ट. आपको जाके देखना है, इतना तो हवा बना दिया मैंने कि ये है वो है. Do you want to go inside and see the project? Yes. Ladies and gentlemen, it is time for the walkthrough AV. Can we please have the AV, please? So then now it is time to unveil the specs. So we have a brilliant double heighted lobbies which are present here. Indeed in one ek aur hidden cheez hai jo hum aapko baad mein batayenge, but double heighted lobbies for the towers. This is big, right? 3.3 meters of floor to floor height is an absolutely luxury jo aapko dhoond rahe hote ho. I think this is slowly becoming a trend. जहाँ पे अब सब लोग ये बनाने लगे हैं, जो बिल्कुल उसकी नीड थी. तो भाई हम लोग क्यों पीछे रहे. 3.3 मीटर्स ऑफ फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ऑफ कोर्स प्रीमियम इटालियन मार्बल फ्लोरिंग इन लिविंग डाइनिंग एंड किचन एज वेल. प्रीमियम मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, ठीक है. सो दिस मेक्स इट अ ट्रूली लग्जरी पैकेज. अभी इसमें आपको कोई भी कमी अभी तक नहीं दिखी होगी. इट्स अ ब्यूटीफुल फसाद, ब्रिलियंट वाटर बॉडीज, ब्रिलियंट यूएसपी, 90,000 स्क्वायर फीट ऑफ दैट स्काई क्लब वाला एरिया जिसमें 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, द ब्यूटीफुल डायरेक्शन ऑफ द होल लैंड, इन्फिनिटी पूल जिसमें शाम को आप सनसेट के टाइम वाइन एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ. एंड देन ऑफकोर्स जब आप घर के अंदर आते हैं तो आपके टावर लेवल पे आपके
lovely double heighted lobbies only, and then all your premium specs inside this. Itna hai ki main khud bhool gaya. There are another smart security features as well in the project. So, जो निर्मला सीतारमन वाली बात थी, मुझे लगा कि ये उसका समय आ गया है, पर हमारे पास निर्मला सीतारमन तो नहीं है, बट कोई ऐसा, मतलब आपकी भाषा में आपका भाई है. आई थिंक इट इज टाइम टू कॉल द मैन हिमसेल्फ एंड आई गिव द स्टेज टू हिम. बट बिफोर दैट, आई हाउ एक्साइटेड यू आर टू नो व्हाट्स इनसाइड दिस नेक्स्ट फ्यू 10-15 मिनट्स. आई थिंक आप इसी का वेट कर रहे थे, राइट? ये कैसी ऐसे यार, आप लोग मतलब बार बार गरिमा ने इतना बढ़िया एनर्जी बना के दिया है. तो आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एंड आई नाउ वेलकम मिस्टर राहुल रंजन, हु इज द सेल्स हेड फॉर एनसीआर 1. My name is Rahul Ranchan. Thank you for coming down. तो भाई आया है यहाँ से बियर तक साथ जाएगा. I think 9:15 हो गया है, बियर का टाइम निकलता जा रहा है. तो next 5 मिनट्स में I think हमारे पास सब कुछ होगा. तो if you are ready, पीयूष के लिए नहीं थे, मेरे लिए हो जाओ, बहुत काम का बंद हो. Are you guys ready? Yes. So let's start off with the first thing. The first thing is the payment plan. So very simple, आप फोटो ले सकते हैं, कोई फ्लूक नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे. वेरी रिलैक्स पेमेंट प्लान. बुकिंग अमाउंट 5% से होगा, 18 डेज में 5%, देन इन 60 डेज 10%, 180 डेज अप्रोक्सीमेट 6 मंथ 10%, आफ्टर दैट 1 सितंबर, दैट इज नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद अगला 10% आएगा. देन क्योंकि हमने लिखा हम टावर फाइलिंग कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. We are doing deep piling. This will be one of the most strongest constructions that Gurgaon has ever seen. And then with start of tower ground floor and shear wall 10%, then 5% on the floors, 10% on internal plaster, and then 10% on completion of flooring, on application of 4C 5%, on possession 5%. So very simple, very standard payment plan. But अगर आप देखेंगे तो आपको milestones के बीच में बहुत ज़्यादा gap है. Specially after 30%, आप सीधा एक साल आगे जा रहे हैं. That is in next September, जहाँ पे आपका अगला 10% आएगा. So payment plan is sorted. आप में से काफी लोग अपने customers को भेज रहे हैं. We'll also share a snapshot with you. Moving forward, are we ready for this? Yes. अगर देखो, अगर मेरी प्राइस एवी में शोर नहीं मचाओगे वो रुक जाएगी, प्राइस बढ़िया नहीं मिलेगा. आर यू गाइज रेडी? तो एवी चलेगी, आपको शोर मचाना है, आपका शोर कम, एवी वहीं बंद. ग्राउंड रूल क्लियर है? कैन आई हैव द एवी प्लीज? With this,
Can we get back to the presentation? There's a third offer, wait guys, dunga. There's another offer for you guys. This is an inaugural benefit. Aapka jo bhi customer 10% on the day of allotment complete karega, he will or she will get 350 rupees ka additional discount above and over. Aap us price calculate kar lijiye. Clubhouse membership will be only charged at 15 lakh rupees, 15 lakhs. This will be a very limited allotment day offer. And I have another. Panchwa offer. First transfer free hai 30% payment complete karne ke baad. So, jab bhi aapka customer, whenever he completes 30%, wo apni property ko free of cost transfer kar sakta hai. So, a very important and a summary slide. Please ise dhyan se dekh lijiye. You have all the types. अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक चीज लिखी हुई है 4BHK 2659. सो गाइस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कैटेगरी ऑफ 4BHK, दैट इज 2659, वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री दैट यू कैन पिच इट टू योर कस्टमर्स. दिस इज व्हाट वी आर ओपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यार ताली तो बता दो यार, नई इन्वेंट्री गुजरे गए. प्राइसिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्कीम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. इंपॉर्टेंटली इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए, 3BHK एंड 3BHK प्लस यूटिलिटी आर ओवर सब्सक्राइब. वी आर नॉट टेकिंग एनी फर्दर पेमेंट फॉर देम. सो प्लीज जुडिशियली अपने कस्टमर्स को बताना एंड टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि हमने एक यू नो नई चीज खोली है. वी हैव कॉल्ड समथिंग एज रेडवुड कलेक्शन ऑल्सो. सो वी हैव समथिंग रेडवुड कलेक्शन. दिस इज आर बिगेस्ट साइज, 3691 स्क्वायर फीट से लेकर 3775 स्क्वायर फीट तक का साइज है ये. So we have a small AV and after this we can have our beers, wine and everything. The last thing from my side, can I have the AV please?
final leg. Thank you so much. Enjoy your dinner and drinks. Good night.